Welcome back to another episode of the series hashtag ACCA for class 12th. तो आज के इस सेशन में इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट द एग्जाम एंड फी स्ट्रक्चर. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेयर एवर यू आर. आई एम ACCA दिशा चौहान, अ प्राउड फिनड्रामा. तो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द सीरीज हैशटैग ACCA फॉर क्लास 12th. तो आज के इस सेशन में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट द एग्जाम एंड फी स्ट्रक्चर. ऑब्वियसली कोई भी कोर्स में आप एनरोल करते हो तो आपको जानना है कि भाई उसका एग्जाम कब होते हैं, कैसे टाइप के एग्जाम है और फीस क्या इन्वॉल्व है, कितना पैसा लगेगा उस कोर्स कंप्लीशन में, क्या क्या मतलब एलिमेंट्स है फीस के. तो ये सारी चीजें जानना बिफोर मेकिंग अ डिसीजन है इम्पॉर्टेंट. तो इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज ACCA, बेनिफिट्स ऑफ ACCA, इन सब चीजों के बारे में भी बात कर ली है ऑलरेडी. और हमने लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट्स के बारे में भी, तो अगर आपने ये सारे वीडियोस मिस किए हैं या कोई भी एक वीडियो मिस किया है तो उसको भी आप जरूर देखिए, आपके लिए होगा बहुत बेनिफिशियल. वो वीडियो अगर नहीं देखा है, मिस आउट हो गया, सो डोंट वरी, उसका लिंक आई बटन में डाल दिया है. आप उसको बेसिकली क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड जो भी सब्जेक्ट्स हैं. तो आज का वीडियो, जैसे कि मैंने कहा, एग्जाम स्ट्रक्चर और फी स्ट्रक्चर. पहले बात कर लेते हैं हम एग्जाम स्ट्रक्चर की. तो सबसे पहले जो आपका नॉलेज लेवल आता है और जो आपका स्किल लेवल का एक पेपर है, यानी कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ये चार पेपर्स, ठीक है, आपका बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, ये चार जो पेपर्स है एग्जाम्स है, ये होते हैं ऑन डिमांड एग्जाम्स. ऑन डिमांड मतलब कि जब आप डिमांड करो, एज सिंपल एज दैट. दे आर अवेलेबल राउंड द ईयर 365 डेज. तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई मुझे कब एग्जाम देना है, मुझे अप्रैल में देना है, मुझे मई में देना है, मुझे जुलाई में देना है. ACCA इसकी कोई सेशन या सिटिंग नहीं निकालता है, आपके पास चॉइस दी है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है. याद है मैंने कहा था ना, वन ऑफ द बेनिफिट्स इज फ्लेक्सिबिलिटी. देखा कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है. यू हैव द ऑप्शन एंड यू हैव द राइट टू चूज कब आपको देना है. आप वेबसाइट पे जाओ, लॉग इन करो, आप चूज करोगे कौन सी सिटिंग है, विद इन अ टाइम जोन जो आप रीजन पे, उस पर डिपेंड करेगा, और आप अपने घर से बैठे बैठे ये एग्जाम ऑन डिमांड दे सकते हो. रिजल्ट भी इंस्टेंटली आ जाता है. यस, रिजल्ट इज डिस्प्लेड इमिडिएटली एंड आपके जो ACCA अकाउंट है उसमें भी अपलोड हो जाता है, विद इन 72 आवर्स तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा. बट आपको आफ्टर द एग्जाम ही रिजल्ट मिल जाता है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अहेड कि भाई बाई चांस वो पेपर क्लियर नहीं हुआ तो अगर मुझे वो फिर से देना है तो मैं विद इन 2 वीक्स दूँ, 3 वीक्स दूँ, या फिर वो पेपर क्लियर हो गया तो ग्रेट, अब मैं नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो ये बहुत ही एक एडेड एडवांटेज है. तो ऑन डिमांड 365 डेज अवेलेबल है, आपके पास चॉइस है. तो बहुत बढ़िया मैम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. इसके बाद जो आपके बाकी स्किल लेवल के पेपर्स है और प्रोफेशनल लेवल, इनके लिए ACCA देते हैं सिटिंग्स, यानी कि सेशंस होते हैं. चार सिटिंग साल में, चार बार आपको चॉइस मिलता है, मार्च सिटिंग, जून सिटिंग, सितंबर एंड दिसंबर. तो इसमें से किसी भी सिटिंग में या सारी सिटिंग्स में आप देना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एग्जाम और दे सकते हो. आपको बुकिंग जो है थोड़ा एडवांस में करनी होती है देन द यू नो जो भी उनकी कट ऑफ डेट आएगी, कि ऐसे से बोल देगा कि भाई ये लास्ट डे है, इसके बाद आप बुक नहीं कर सकते. तो विद इन दैट टाइम पीरियड आपको जो है एग्जाम बुक कर लेना है और एग्जाम दे देना है. एंड अब जो है ये एग्जाम्स आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हो गए, यानी कि CBEs, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. कितना आपको सुनने में लग रहा होगा अरे कैसे कंप्यूटर में कैसे लिखना है करना है. अगर आप इंट्राम ग्लोबल को चूज करते हैं तो आपको उससे भी रिलेटेड हेल्प मिलती है. हम पूरा गाइड करते हैं कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे होता है, उसकी भी यू नो ट्रेनिंग मिल जाती है. सो वो आपके लिए होगा बहुत ही बेनिफिशियल, क्योंकि सबको तो ऑब्वियसली यू नो कंप्यूटर्स तो हम स्कूल वगैरह में उतना नहीं यूज करते, थोड़ा बहुत हमें पता है, बट प्रोफेशनली जो लोग यू नो जॉब करते हैं वो ज्यादातर उस पर यू नो हैंडी होते हैं. तो हम इसलिए एक सेशन भी देते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का कैसे इन अ वे यू नो सिनेरियो होगा, और आपको सुधर पता हो कि ओके ऐसा विंडोज होती है, ऐसा हो सकता है. तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की भी ऑप्शन है, आप घर बैठ के दे सकते हो या फिर कोई सेंटर बुक करके उस सेंटर में जाके आप एग्जाम दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर रीजन. ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम
एक टाइम निकलेगा, ECCA बोलेगा जैसे कि चलो जून सिटिंग में आपने डिसाइड किया, तो बोलेगा 6 जून को ये वाला पेपर है, जैसे टैक्स पेपर है, तो आप टैक्स अगर पेपर दे रहे हो तो आप 6 जून को दोगे, टाइम बता देगा। तो ये पूरा जो है सिटिंग वाइज होता है, टाइम ECCA बताता है और आपको उसी दिन देना है। ऑन डिमांड में आप किसी भी दिन वो 4 पेपर्स दे सकते हो, बट इनमें सेशन वाइज उस मंथ में उस दिन में वो डेट निकालता है टाइम टेबल ECCA और आप फिर उस दिन अकॉर्डिंगली देते हो। पर इसमें भी आपके पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्च सिटिंग में अगर आपको नहीं मन है देने का, कुछ और कमिटमेंट्स हैं, तो आपको देने की जरूरत नहीं, आप जून सिटिंग दे सकते हो। आपको जून में 2 पेपर्स लग रहा है मैं दे सकता हूँ, आप दो आपको लग रहा है कि नहीं मैं मार्च में एक दूंगा जून में एक दूंगा, आप वो भी कर सकते हो। तो वो चॉइसेस आपके पास है, आपको 1 by 1 पेपर देना है, 2 एक एट ए टाइम देना है, बट इट इज ऑलवेज यू नो गुड कि एक एक करके जाओ, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। चॉइस पूरी ECCA ने आपको दी है, इसलिए इसको माना जाता है इतना फ्लेक्सिबल। तो आप एग्जाम देते हो और इसका रिजल्ट विद इन 6 वीक्स आ जाता है फ्रॉम योर एग्जाम डेट, और 6 वीक्स में आपको पता चल जाता है, उसका भी रिजल्ट पब्लिश होता है एंड यू गेट टू नो व्हाट हैव यू स्कोर्ड। क्योंकि आप अभी आई एम अज्यूमिंग सीरीज हमने बनाई आपके लिए है जो 11th में बच्चे हैं, 12th में बच्चे हैं, तो आप लोग को तो पहले नॉलेज लेवल पे ही फोकस करना है। तो नॉलेज लेवल के ही बात करेंगे हम डिटेल में, कि नॉलेज लेवल जो ऑन डिमांड एग्जाम्स हैं, ये जो आपके एग्जाम्स होते हैं वर्थ होते हैं 100 मार्क्स, जिसका पार्सिंग होता है 50%। इसमें जो पेपर्स होते हैं राइट, वो आपके 2 घंटे का एग्जाम है, और जो पेपर है वो होते हैं आपके MCQs एंड MTQs, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हम करते हैं ना, कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है ABCD, वी हैव टू चूज द राइट वन, एंड आपके MTQs मल्टी टास्क क्वेश्चन, मतलब एक सिनेरियो आ जाएगा, एक टास्क आ जाएगा, उसी में या तो MCQs भी आ सकते हैं या गैप फिलिंग क्वेश्चन हो सकता है या कुछ मैच करना, ऐसे टास्क वाले होते हैं। तो ये हो गए आपके MCQs, MTQs। तो आपके जो ऑन डिमांड है इसमें मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल टास्क क्वेश्चन ही आते हैं, आपको अपने कन्वीनियंस पे चॉइस दिया गया है, आप जब चाहो ये एग्जाम दे सकते हो ऑन डिमांड। आप बुक करोगे डेट, आप डिसाइड करोगे एंड आप दोगे, कोई सिटिंग नहीं है कि इस दिन ही देना है। तो ये तो हो गया एग्जाम स्ट्रक्चर, एंड ऑफ कोर्स जैसे आप आगे बढ़ोगे स्किल एंड प्रोफेशनल में, उसमें आपकी वो सिटिंग आएगी एंड आपको पेपर्स उस अकॉर्डिंग देने होंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है फी स्ट्रक्चर। बट बिफोर हम उस पे जाएं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन आइकन ऑल्सो, सो दैट जब भी हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें रिलेटेड टू ECCA उसके अपडेट्स, आप तक वो टाइमली पहुंच जाए। इसलिए मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग, इट विल टेक लिटरली 5 सेकंड्स टू सब्सक्राइब, सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पीयर्स, आपको जिसको लगता है कि यू नो ये हेल्पफुल होगी इन्फॉर्मेशन, कोई अगर इंटरेस्टेड है बच्चा अकाउंटेंसी में तो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, लेट देम ऑल्सो नो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, फीस कितनी होगी एंड ऑल ऑफ दैट। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं ऑन द फी स्ट्रक्चर। तो हर कोर्स में ऑब्वियसली आप कोई भी कोर्स करते हो, चाहे आप यू नो डिग्री करते हो कॉलेज की या कुछ भी कोर्स करते हो, फीस तो होती ही है, फ्री में तो कुछ नहीं आता है, तो इसमें भी फीस है। आप जब भी कभी भी रजिस्टर करते हो या यू नो हम फॉर्म लेते थे कॉलेज में, एक मिनिमल फी शुरुआत में तो देते ही हैं, तो वैसे ही ECCA का मैं इस वीडियो में डिवाइड कर देती हूँ। फर्स्ट फी आ जाती है आपकी रजिस्ट्रेशन फी, ये वो फी है जब आप रजिस्टर कर रहे हो एक नए कोर्स में, तो ऑफकोर्स एक फी देनी होती है, वो होती है £30। सारी फीस जो ECCA की पाउंड में होगी, तो कन्वर्जन रेट अगर हम 100 रुपीज मांगे तो आप मानो ऑलमोस्ट 3000 रुपीज के आसपास, वैसे तो 100 तक नहीं जाता है, 95-98 रहता है पाउंड्स इफ यू कंपेयर टू रुपीस, बट लेट्स से 100 रुपीस है, तो 3000 रुपए तक रजिस्ट्रेशन फी होगी। उसके बाद आपको देना होता है एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फी, ये आपको हर साल एक फी देनी होती है जो कि है अराउंड 116 पाउंड के करीब, तो ये आपको एक फी देनी होती है और ये आपको हर साल देनी होगी, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ो, आपकी आ जाती है एग्जाम फी। ऑफ कोर्स आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके तो आपको फी देनी ही पड़ेगी राइट। यहाँ पे क्योंकि जैसे कि आपको पता है ECCA आपको क्या दे रहा है, चॉइस कि कब कौन सा एग्जाम देना, इसलिए लंप सम में पैसा नहीं ले रहा है, जो जो आप एग्जाम पेपर दे रहे हो उसके आप पैसे भरते जाओगे। जैसे आप नॉलेज लेवल में स्टार्ट करोगे, फीस है अराउंड 98 पाउंड्स, ठीक है, जो कि बना अराउंड 9800 पर पेपर। तो जैसे अगर मैं बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का दे रही हूँ तो मैं 98 पाउंड्स दूंगी, फिर अगर मैं MA का दे रही हूँ तो मैं 98 पाउंड्स भरूंगी फिर से, ठीक है। तो ये पर पेपर आपकी 98 पाउंड्स है, एंड स्किल लेवल की अराउंड 123 पाउंड्स तक होती है, स्टार्टिंग रेंज यही है।
ये हो गई आपकी पर पेपर एग्जाम फी। तो ये आप जो जो एग्जाम दोगे आप उसकी फीस जो है भरते जाओगे। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, एग्जाम बुकिंग करना वेबसाइट से, लिटरली इट जस्ट टेक्स फ्यू मिनट्स। प्रोसीजर बहुत सीमलेस और इजी है। अब जो फोर्थ टाइप की फी है वो आ जाती है आपकी कोचिंग फी। अब आप ऑब्वियसली कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो कि न्यू है आपके लिए भी, तो जरूरी है कि आप किसी से गाइडेंस लो, मेंटरशिप लो, राइट। एक इजियर हो जाता है आपके लिए भी, स्मूथ प्रोसीजर हो जाता है, हैसल फ्री हो जाता है। अब डिपेंड करेगी ये कोचिंग फ्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, बट वी एट फिनफ्राम ग्लोबल हु आर द गोल्ड अप्रूव्ड यू नो ACCA पार्टनर्स, वो जो है ऑफर करते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। आई कैन एक्चुअली से दैट वी आर वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल यू नो इंस्टीट्यूट्स अराउंड द ग्लोब। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी फीस देखो और बाकी उनसे कंपेयर करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वी ऑल्सो ऑफर बच्चों स्कॉलरशिप वर्थ 91,500। तो अभी जो आपको लग रहा है ना, इतनी सारी फीजेस है, रजिस्ट्रेशन भी है भाई, क्लासेस भी है, वो फीजेस हो जाएंगी इतनी अगर आप फिनट्राम के पास आते हो, बिकॉज हम जो है स्कॉलरशिप देते हैं अप टू 91,500 ऑन रजिस्ट्रेशन क्लासेस। तो आपको जो है बहुत हेल्प मिल जाती है। तो कोचिंग फीस डिपेंड, जैसे कि मैंने करेगी कौन सा आप इंस्टीट्यूट पे जाते हो, लेकिन अगर आप फिनट्राम ग्लोबल के पास आते हो देन यू आर हैसल फ्री, टेंशन फ्री, बिकॉज वी आर ऑफरिंग द क्लासेस एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिलीव नहीं हो रहा है, विजिट आवर वेबसाइट राइट नाउ। फिनट्राम की वेबसाइट पे जाइए, टेक अ डेमो सेशन, डेमो सेशन फ्री है, आराम से डेमो देखो एंड आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फॉर द क्वालिटी जो हम प्राइस ऑफर कर रहे हैं वो कितना अफोर्डेबल है। बिकॉज वी आर ऑफरिंग आपको सारे सब्जेक्ट्स के हम सेशंस देते हैं, रिविजन देते हैं, क्वेश्चन मैराथन कराते हैं, इतने सारे क्वेश्चन फैकल्टी खुद आके सॉल्व कराती है, जो कि यू नो बहुत सारी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कराती है। हम बच्चों के साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखते हैं, हम इतना सब कराते हैं एंड आप प्राइजेस खुद ही चेक कर लो। वी हैव सो मेनी ऑफर्स गोइंग अराउंड द ईयर, और जैसे कि मैंने कहा स्कॉलरशिप भी है, तो प्राइस उस वजह से काफी आपको जो है अफोर्डेबल पड़ जाता है। तो बच्चों वी आर गोल्ड अप्रूव लर्निंग पार्टनर्स। 5 मिनट लगेंगे सिर्फ वेबसाइट पे जाके देखने के लिए, 5 मिनट आई एम श्योर आप डेडिकेट कर सकते हो अपने करियर के सीख के लिए। डेफिनेटली विजिट द वेबसाइट, डेमो सेशंस देखो एंड आप खुद ही समझ जाओगे। अगर आपने अभी तक जो वीडियोस मिस आउट किए हैं सीरीज के, उसको भी आप देखो, लास्ट वीडियो का भी लिंक आई बटन पे है, सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। प्लीज अगेन मैं कहूंगी, शेयर जरूर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी आपको लगता है हेल्प हो जाए आपके, जो भी क्लासमेट्स हैं, पियर्स हैं, कोई कजन है, जो भी आपको लगता है अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हो, do share it with them, it will be very helpful for everyone, and of course subscribe, and agar ye video acha laga hit that like button, we are also then motivated to make such content for you। ab main aapko jaldi milne wali hu next video mein, and watch out for the next video, next video mein kuch zyada hi zaruri baat hone wali hai ki bhai ACCA to samajh liya lekin uske baad kya, वो भी जानना है ना, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नोटिफिकेशन बटन जरूर क्लिक कर देना सो दैट आपको पता चल जाए कि भाई नेक्स्ट वीडियो आ गया है। आई विल नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन दिस इज दिशा चौहान साइनिंग ऑफ।